नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी माँ दुर्गा के अनन्य भक्त हैं, माँ लक्ष्मी के अनन्य भक्त हैं, तो कमेंट के अंदर आप उनके नाम या अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन के अंदर हमेशा अच्छी चीज़ें देखने को मिले और आपके ऊपर सदैव भगवान का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदू धर्म के अंदर देवी देवताओं का घर के अंदर विशेष तौर से मंदिर होता है और हर कोई व्यक्ति को देवी देवताओं की पूजा करना अच्छा लगता है। इसके निमित्त पूजा पाठ करता है, उपाय आदि करता है, ताकि उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी इस समय पूजा पाठ करता है, उसके जीवन भर उसको कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। देखते ही देखते दोस्तों वह व्यक्ति अमीर हो जाता है। शास्त्रों में ऐसे श्रेष्ठ मुहूर्त के बारे में बताया गया है। दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, आपके मन में ख्याल आता है कि उस पूजा पाठ का आपको फल मिले। तो दोस्तों, पूजा करने का ऐसा कौन सा समय होता है, ऐसा कौन सा खास समय है जिस समय आप हमारे शास्त्रों के अनुसार पूजा करते हैं तो आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त होता है? दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों दिन की पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है, सुबह की पूजा। तो क्या करें, सुबह स्नान आदि, सुबह उठें, आपको उठना है सुबह 8 बजे से पहले उठें, और उठने के बाद आप क्या करें, अपने नित्य कामों से आप निवृत्त हो जाएं, और उसके बाद स्नान आदि करने के बाद पहला काम यही करना है कि आप भगवान के समक्ष जाएं, भगवान के मंदिर के जो बर्तन आदि हैं आप उनको स्वच्छ कर लें, उनको धो लें, और उसके बाद जब आपको 8 बजे से पहले आप उन बर्तनों को साफ आदि करने के बाद पूजा पाठ करते हैं, निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप पूजा करें, पूजा करते समय आपको 5, 3, 7, 9 इस प्रकार से दीपक जलाने चाहिए जिस संख्या के अंदर 2 का भाग नहीं जा पाए। ऐसी संख्या बहुत अच्छी मानी जाती है और देवी देवताओं की विशेष कृपा उस घर के अंदर होती है। दोस्तों, इसी तरह संध्या काल की पूजा करने का भी यही नियम होता है कि जब भी आप संध्या काल की पूजा करें उस समय गोधूली वेला के अंदर कर लें, अर्थात कि जब सूर्य अस्त होता है, आसमान नारंगी या भगवा रंग के अंदर होता है, उस समय अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो दोस्तों नकारात्मक, संध्या काल की जो नकारात्मक शक्ति होती है वह आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती, और उस समय अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो ऐसे में देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास भी नहीं भटकती। इस पूजा का इतना इस प्रकार से फल देखने को मिलता है। दोस्तों, इसी तरह पूजा करते समय आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप हो सके तो पूजा करते समय स्नान आदि कर लें, ताकि पूजा का कई गुना आपको लाभ प्राप्त हो जाता है। स्नान करने के बाद अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपकी वह पूजा भी सफल मानी जाती है, और सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, अगर आप संध्या काल के समय स्नान नहीं कर पाएं तो आपको एक काम करना है कि संध्या काल के समय अपने हाथ धो लें, अपने कानों को ऊपर पानी लगा लें, और के बाद पूजा पाठ करें हाथ जोड़कर भगवान का, तो निश्चित तौर पर आपको भगवान का भी आशीर्वाद देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप संध्या काल की पूजा करें या सुबह की पूजा करें, उससे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप भरपेट पूजा करते हैं तो दोस्तों भगवान आपसे कैसे प्रसन्न होंगे, बल्कि वह आपसे नाराज भी हो सकते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, आपको पूजा हमेशा भूखे पेट ही करनी चाहिए। अगली चीज का ध्यान रखें, तो जब भी आप पूजा करें उस समय आपको विशेष तौर से काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काले वस्त्रों का त्याग करने के बाद आप पूजा करते हैं तो ऐसी पूजा विशेष रूप से सफल मानी जाती है। अगली चीज की बात करें, तो जब भी आप पूजा पाठ करने बैठें तो आपके मुख के अंदर किसी प्रकार की शराब, मांस, मदिरा या फिर किसी भी प्रकार की नशेली चीज का आपके मुख के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर यह चीजें आपके मुख के अंदर होती है, उसके बाद आप नशा करते हैं, वह पूजा करते हैं, तो भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपके ग्रह को त्याग कर देते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। और पूजा करने का दोस्तों एक विशेष समय दोपहर का भी माना गया है। उस समय आपको धूप दीप नहीं करना चाहिए, बस आप क्या करें, एक ठंडे जल का लोटा भरें, और लोटा भरने के बाद आप, गर्मियों का विशेष समय होता है, उस समय आप एक तांबे के लोटे के अंदर जल भरें, और जल भरने के बाद उस लोटे को आप भगवान के मंदिर के अंदर
दोपहर के समय रखते हैं, तो ऐसा करने से भी भगवान की विशेष प्रसन्नता आपके जीवन, आपके घर परिवार के ऊपर देखने को मिलती है और उनका समूचा आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर बना रहता है। तो दोस्तों, हमने बताया आपको पूजा पाठ करने का सही समय और विधि ताकि आपको भगवान का लाभ प्राप्त हो सके। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।